वर्ग आठ के सही बच्चों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग इसके पहले कुछ सीरीज को हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन आज हम लोग हिंदी विषय से तीसरे सीरीज में बातें करेंगे, तीसरे सीरीज का हम लोग काम करेंगे। और इस तीसरे सीरीज में जैसे आप देख रहे हैं कि पार्ट तीन जो है, या तीसरा सीरीज यानी मैं सीरीज में इसलिए बांटा हूं क्योंकि पार्ट को मैं सीरीज के रूप में यूट्यूब चैनल में लिखने का काम कर रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि यह पाठ जो है करमवीर यानी करमवीर का मतलब से करमवीर शब्द को सुनने से ही आपको यह समझ जाना चाहिए कि करमवीर यानी कि कर्म का मतलब कर्म, वीर माने वीर, जो कर्म में ही वीर हो उसे हम करमवीर कहेंगे। अर्थात कर्म के प्रति जिसके अंदर निष्ठा हो, कर्म के प्रति जो व्यक्ति बिल्कुल सफलता का एक व्यक्ति के अंदर निर्धारण का जो बात सोचा जाता है, बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का जो काम करते हैं, और तो और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कविता में यह जो जिक्र किया गया, इस कविता में आप देखेंगे कि यहाँ बाधाओं से जूझते हुए बाधाएं जो भी है मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य अपने बाधाओं से लड़ते हुए यानी कर्मशील लोगों का यहाँ पे बात करने का प्रयास किया गया है कि बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में कि अपनी बाधाओं को बाधा नहीं समझ के, उसे उलझने नहीं समझ के, बल्कि उसे एक चुनौती पूर्वक स्वीकार करते हैं। चुनौती स्वीकार करके क्या करते हैं कि अपने जिंदगी में काम करने का वे हर संभव संकल्पित रहते हैं। और जो संकल्प कर लेते हैं कि चाहे जितनी भी समस्याएं मेरी जिंदगी में क्यों ना हो, वो सारी समस्याएं वो समस्या नहीं होगी बल्कि मेरे लिए चुनौती होगा, वैसे व्यक्ति को ही हम कर्मवीर कहेंगे। और इस कविता के माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ जो सभ्यता और संस्कृति का जो निर्माण करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे भी इस दुनिया में लोग हैं जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने में भरपूर सहयोग करते हैं, तो वैसे सहयोग करने वाले व्यक्ति को हम कर्मवीर के रूप में संबोधन करेंगे। और भी बातें हम देखेंगे इस कविता में, जैसे इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के माध्यम से इन्होंने जो वर्णन किया है, इस वर्णन में हर एक पंक्ति में, हर एक छंद में, हर एक लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आखिर में इन्होंने कर्मवीर के संदर्भ में ये जो कविता का वर्णन किए हैं, कविता जो लिखे हुए हैं, इस कविता में यह क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, हम और आप विद्यार्थियों के बीच में किस तरह के संदेश को देने का काम कर रहे हैं, तो इस सारी बातों को आप देखेंगे कि कर्मवीर क्या होता है, वास्तविक कर्मवीर किसे कहते हैं। तो देखिए इस कविता के सबसे पहले जो खंड में दिया गया है कि देखकर बाधा विघ्न बहु, विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी कवि का कहना है यहां, कभी यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखकर बाधा विविध बहु, देखकर बाधा विविध बहु, विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो फिर भी उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले जुले फूले फले। अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोगों को कि जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो जो भी व्यक्ति हो, विविध यानी बहुत तरह की विघ्न यानी बाधाएं जब मनुष्य के अंदर आती है, बहुत तरह की बाधाएं जब मनुष्य के अंदर समावेशित होती है, तो वैसी बाधाओं को देखकर जो घबराते नहीं है, बाधाओं को देखने के बाद जो घबराते नहीं है, और वैसे लोग जो अपने भाग्य के भरोसे अपने जिंदगी को छोड़ने वाले लोग नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि अपने भाग्य के भरोसे जिंदगी को ही छोड़ देते हैं, तो भाग्य के भरोसे जो दुख भोगने के प्रति वो पछताते भी नहीं है। काम कितना भी कठिन हो, दुनिया में कठिन काम तो होते ही हैं, तो आप जानते हैं कि कठिन काम जो भी होता है इस दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है जरूर, लेकिन दुनिया में असंभव शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव आप कह सकते हैं। आपके लिए वो असंभव भले लगता हो, लेकिन वो दूसरों के लिए तो संभव होता है, इसलिए वो असंभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वैसे काम को कोई ना कोई तो करता है। हाँ, आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आप भी उस उपलब्धि को पा सकते हैं, आप भी उस जगह को हासिल कर सकते हैं, आप भी वह कार्य पूर्ण कर सकते हैं, बशर्ते कि उसे एक चुनौती स्वरूप स्वीकार करें। तो चुनौती नहीं स्वीकार करेंगे तो आपके लिए कहने के लिए असंभव होगा। कभी इसमें बार बार आपके शब्दों को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप असंभव शब्द का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि
काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, चाहे जितना कठिन हो अगर वो सही में कर्मवीर हैं, आप सही में कर्मवीर हो तो निश्चित रूप से आप उकताएंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, यानी कि जो भीड़ में चंचल बनकर भीड़ ने यानी वीर अपने आप को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि भीड़ में आप बहुत चंचल बन जाएंगे तो क्या आप वीर कहलाएंगे? भीड़ में भीड़ के हिसाब से ही चला जाता है, वहां वीर बनने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हो गए एक आन में उनके दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके दिन भी भले, सब जगह सब काल में, सब जगह सब काल में मिले फूले फले, यानी सभी जगह पे सभी काल में जो कर्मवीर होते हैं वे कर्मवीर मिलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, और वही सबसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए जो होता है कि हर काल में, हर बुरे समय में, हर बुरे दिन में भी वे भले ही होते हैं, वे अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उनके लिए बुरा दिन तो होता ही नहीं है। बुरा दिन का मतलब क्या होता है? तो बुरा दिन का मतलब कुछ भी नहीं होता है। कर्मवीर बनने का प्रयास करो, बुरे दिन कुछ नहीं होते हैं। तो इस तरह से अगले पंक्ति में यहां कवि कहना चाहते हैं कि आज करना है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, आज करना है जिसे, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, सोचते करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते सदा सबकी कही, मानते जी की है सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने, जो मदद करते हैं अपने, इस जगत में आप हैं, इस जगत में आप हैं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर सकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर सकते नहीं। यानी सही अर्थों में जो कर्मवीर हैं, जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि आप भी कर्मवीर हो सकते हो, यानी तब हो सकते हो कि यह सारी गुण, यह सारी बातें अपने मन के अंदर, अपने इच्छाओं के अंदर, अपने विचारों के अंदर तुम भी उतार लो। जो बातें हम बताते जा रहे हैं तो कर्मवीर में तुम भी एक गिनती के क्रम में आओगे कि तुम भी एक अच्छे कर्मवीर हो, क्योंकि आज करना है जिसे करते उसे आज ही। कर्मवीर की सही पहचान तो यही होती है कि जो काम आज करना है उसे वे आज ही निपटा लेते हैं, वे कल के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। सही अर्थों में कर्मवीर तो वही होते हैं, सोचते कहते हैं कुछ कर दिखाते हैं वही, सोचते हैं करते हैं कुछ भी लेकिन करके दिखाते हैं वही कर्मवीर होते हैं। मानते जी की है, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, सबकी बातों को सुनो, सबकी बातें सुनना जरूरी है। अगर सबकी बातों को नहीं सुनोगे तो तुम अपने आप में उदंड कहलाने लगोगे, तो सबकी बातें सुनो, सबकी बातें सुनना जरूरी है, लेकिन मानो वही जो जी कहता है, जो मन कहता है, जो विचार कहता है, यानी कि विचार ऐसा ही करो कि हमेशा कर्मवीर के तरफ यानी अग्रसर होने के पक्ष में हो या अच्छे करने के पक्ष में हो। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप हैं, वैसे लोग क्या करते हैं? वैसे लोग अपने आप की मदद करते हैं। जो अपनी मदद, जैसे आप जानते हो कि कहा जाता है कि जो अपनी मदद स्वयं नहीं करते उनकी मदद वे भी नहीं करते, वे भी यानी ऊपर वाले भी नहीं करते। तो इस तरह से जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप हैं, यानी जो अपने आप अपनी मदद स्वयं करते हैं, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, यानी सही अर्थों में वे कर्मवीर जो होते हैं वे कभी किसी के सामने किसी से आसरा नहीं रखते हैं, किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं, और उम्मीद ऐसा नहीं रखते हैं कि कौन ऐसा काम है जो कर सकते नहीं। दुनिया का कौन ऐसा काम है जो कर्मवीर है उसे नहीं हो सकता है? तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कर्मवीर नहीं कर सके। यदि सही अर्थों में वो आप भी कर्मवीर बनना चाहते हो तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कौन ऐसा काम है जो कर सकते नहीं। और अगले पंक्ति में यह कवि कह रहे हैं कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। यानी कवि का यहाँ कहना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का कहना है, क्या कहना है कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं,
जो भी व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ में ऐसे वैसे यहां वहां में नहीं बिताते हो, कर्मवीर बनना चाहते हो तो यहां वहां घूमना छोड़ो, बेकार के समय बर्बाद करना छोड़ो और ऐसे काम करो कि यूं ही अपने समय को बिताने का प्रयास मत करो। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, बहुत लोग को देखते हो कि काम कम करते हैं बातें बहुत बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम करने की बात आती है जब अपने जिम्मे आती है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बात नहीं बनाओ, तुम भी बात मत बनाओ, कर्म करने का प्रयास करो, काम करो और मेहनत करो, क्योंकि आजकल करते हुए जो दिन गांव आते नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं वे कर्मवीर कभी हो ही नहीं सकते हैं कि आजकल के भरोसे जो काम को टालते जाते हैं, समय को आगे बढ़ाते जाते हैं, वे कर्मवीर कैसे हो सकते हैं। तो आजकल के भरोसे तुम काम को छोड़ नहीं सकते हो, आजकल के भरोसे जब काम छोड़ोगे तो तुम भी कर्मवीर में नहीं आ सकते हो। अच्छे कर्मवीर बनना है तो आजकल के भरोसे काम को मत छोड़ो, यत्न करने में कभी जो जी चुराते नहीं, यानी दुनिया में प्रयास बहुत बड़ी चीज होती है, जो दुनिया में प्रयास ही नहीं करता है उसे हासिल क्या होगा। इसलिए प्रयास करो, यत्न करो, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, यानी ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा बात है जो कर्मवीर चाहे और नहीं हो पाए। तो दुनिया का कोई ऐसा काम, जो मैं बार बार इस बात को बताया कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि कर्मवीर चाहे और नहीं हो, यह नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, ऐसे नमूना बनो, औरों के लिए नमूना बनो। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, अर्थात दुनिया के हर एक कार्यों को तुम भी कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो, बशर्ते कि इन सारे बातों का ध्यान रखो तो तुम अच्छे कर्मवीर कहला सकते हो। और अच्छे कर्मवीर बनने के लिए कभी यहां फिर से अगले पंक्ति में कुछ और बातों को कहना चाह रहे हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिओम जी कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके जिनके है वह है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना, है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना, कौन कोस कितने भी चले वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल सकते भी नहीं। बात समझ रहे हो बच्चों? देखो कितनी अच्छी बातें हैं यहां कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, यानी कि बहुत लोग धूप थोड़ा सा निकल जाता है तो काम करने में परेशानी आ जाती है, कठिनाइयां थोड़ी सी आ जाती है तो लोग काम छोड़ के आराम करने लगते हैं। तो ऐसे बनने का प्रयास मत करो, ऐसे बनने का प्रयास करो, चिलचिलाते हुए धूप को भी तुम चांदनी समझ के काम करो। ये मत समझो कि धूप है क्योंकि काम करने वाले को धूप और ठंडे से क्या मतलब होता है, या कोई मतलब नहीं होता है। काम करने वाले तो काम करते हैं, यानी जो कर्मवीर होते हैं उनको धूप भी नहीं दिखाई देता है, वे चांदनी रोशनी समझ के उसमें काम करने लगते हैं, क्योंकि जब भी तुम काम करोगे, काम में मन लगेगा तो तुम्हें धूप भी नहीं लगेगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास नहीं बल्कि यह गारंटी है आप लोगों के लिए, यह एक तरह का श्योर है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो करे शेर का भी सामना, जरूरत पड़े तो शेर का सामना करने के लिए भी तैयार रहो। शेर क्या चीज है तुम देखे हो, इसी धरती पर इसी जगह पर बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, कितने ऐसे योद्धाओं का नाम तुम जानते हो कि जो शेर से भी सामना करने के लिए तत्पर रहे हैं, क्या होकर उनकी इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता ही है। तो इस तरह से कि काम पड़े तो भी तुम शेर की सामना कर सको, जो कि हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे की चना, वैसे लोग जो कर्मवीर होते हैं वे काम पड़ने पर भी हंस हंस के लोहे के चना चबा लेते हैं, यानी कठिनाइयों को भी वे हंस हंस के निकल लेते हैं। जितनी कठिनाइयां हो वो सारी कठिनाइयों को हंस हंस कर निकल लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं, है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना, या जिनके जी में जिसने मन में यह ठान लिया है, जिन्होंने ठान लिया है मन में, उनके लिए दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि कोस कितने भी चले पर वे कभी थकते नहीं, चाहे वे कितना भी कोस चलना पड़ जाए, कितना भी किलोमीटर चलना पड़ जाए, कितना भी दूरी कितना भी सफर करना पड़ जाए, वे थकने वाले नहीं होते हैं क्योंकि वे कर्मवीर होते हैं और कर्मवीर कभी थकते नहीं है।
इसलिए कौन सी एक गांठ जिसको वे खोल सकते नहीं दुनिया का, वह कौन सा गांठ है, कौन सी मुश्किलें हैं जिसका समाधान वह नहीं कर सकते हैं, कौन सी गांठ को खोल नहीं सकते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वही ये सब कर सकते हैं, और जो दिखावा मात्र के लिए काम करते हैं उनसे तो होगा ही नहीं। तो आप भी दिखावा न करो, आप कर्मवीर बनने का प्रयास करो। अगले पंक्ति में यह हरिओद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, संपदा मन से नहीं जो करोड़ों की जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से कार्बन, बन गया हीरा जो उन्हीं के हाथों से कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। यानी कवि का यह कहना है कि काम को, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि काम को बस यूं ही शुरू करते हैं बीच में छोड़ देते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे आपको मैं बताया था पिछले ही सीरीज में कि सपोज करके चलिए कि आप एक जगह पर हेडपंप के पाइप को गाड़ रहे हैं, और हेडपंप के पाइप को जब हला रहे हैं आप 100 फीट, आपको अनुमान है कि वहां 100 फीट गड़ने के बाद पानी निकल जाएगा और आपने 100 फीट तक पहुंच गया। लेकिन जब 100 फीट तक पहुंचा तो आप देखें कि यहाँ पे अब 125 या 150 फीट पे पानी आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? आपको अंदाजा है कि बगल में कहीं 100 फीट पे पानी आने वाला है, तो आप वहां से उखाड़ कर दूसरी जगह प्रयास में लग जाते हैं, क्योंकि यहां ज्यादा पाइप की जरूरत पड़ जाएगा। तो आप उम्मीद करिए कि आप दूसरे जगह जाएंगे तो फिर आपको तो इतना मेहनत करना पड़ेगा जितना मेहनत आप कर चुके हैं, और यहां आपको बस 50 फीट और जाते तो आपका सफलता मिल जाता। लेकिन वहां आप 100 फीट जाएंगे, हो सकता है कहीं वहां और गहरा जाना पड़ जाए, तो वहां आप और फेलियर हो जाएंगे। तो इस तरह से काम को जो शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं वे कर्मवीर कैसे हो सकते हैं? हमें तो वहां साहस अपना दिखाना है, संघर्ष में लगे रहना है, समस्याओं को चुनौती स्वीकार करते हुए वहां और गहराई तक जाना पड़े तो गहराई तक जाएंगे, लेकिन वहां सफलता पाके ही वापस आएंगे। तो जो काम को बीच में शुरू करके, यानी काम को शुरू करके जो बीच में छोड़ देते हैं वे कर्मवीर नहीं होते। कर्मवीर की वही पहचान कि जो काम शुरू करते हैं और अंत तक ही उसको पूरा करते हैं, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, यानी सामना करते हैं रास्ते में वो भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ते, पीठ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जो गगन के फूल को बातों में नहीं तोड़ते। अगर आकाश से, हवाओं से, गगन से फूल तोड़ना है तो मुंह से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, मुंह से सूर्य और चंद्रमा, मंगल ग्रह, बहुत ग्रहों के पास आदमी जा सकता है, लेकिन सत्य में जाने की बात हो, सही में पहुंचने की बात हो, तो वहां पहुंचने के लिए तो पापड़ कई बेलने पड़ेंगे। तो पापड़ बेलने के लिए, यानी बातों बात में हम नहीं पहुंचे, गगन से फूल तोड़ कर नहीं लाए। गगन से फूल तोड़ना है तो सत्य में जाकर तोड़ के लाए। सत्य में जाने के लिए थोड़ा मुश्किल तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, मन के अंदर संपदा यानी करोड़ों की संपत्ति की बात हम कर लेते हैं कि यह संपत्ति मेरी हो जाए, इस तरह हो जाए, लेकिन यह कब हो पाएगा? हम उसके प्रति लगेंगे, कर्मवीर होंगे तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कार्बन। वे जो कर्मवीर हैं जिनके हाथों में कार्बन भी आया, कोयला भी आया, तो हीरा बन गया, कांच के करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। वे कांच भी उनके हाथों में आता है तो उज्ज्वल रतन बना देते हैं, क्योंकि वे कर्मवीर होते हैं। ऐसे कर्मवीर बनने का प्रयास तो करो, तुम भी बन सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, तुम भी अच्छे हो सकते हो। अगले पंक्ति में अयोध्या से उपाध्याय हरिओद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं फिर कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नवतल का उन्होंने बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। बात समझो कितनी अच्छी बातें हैं आपके लिए कि जो पर्वतों का, जैसे आप सुने हैं कि दशरथ मांझी का नाम रास्ते को पाने के लिए, नजदीकी रास्ता बनाने के लिए जो पत्थरों को काट के भी रास्ता बना दिए, पहाड़ों को काट के रास्ता बना दिए, क्या इतनी आसान काम था?
मुश्किल तो था लेकिन असंभव तो नहीं था, अगर असंभव होता तो शायद वो नहीं हो पाता। तो दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति वैसे पहाड़ को काट के छेनी और हथौड़ी के बल पे उसे रास्ता बना लेते हैं। तो पर्वतों को काटकर जो रास्ता बना लेते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में जो नदियां बहा देते हैं और गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं, गर्भ राशि के जल में क्या करते हैं वे कि बेड़ा चला देने का काम करते हैं, और बेड़ा ऐसे चला देते हैं कि जंगलों में भी वे महामंगल मचा देते हैं, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं भेद नवतल का, क्योंकि वे कर्मवीर हैं। छात्रों, वे ऐसे कर्मवीर हैं कि भेद नवतल का, नव का और तल का भेद वे ऐसे बता देते हैं हम लोगों के बीच में, क्योंकि वे प्रयास करके वहां तक पहुंचे हैं तो हम लोग बीच तक बताने का काम करते हैं। है उन्होंने कितनी निकाली ताड़ की सारी क्रिया, ये जो भी क्रियाएं हैं वो क्रियाओं का भेद हम तक बताने का काम करते हैं, क्योंकि सही अर्थों में तो कर्मवीर हैं वे, और आप भी बन सकते हो कर्मवीर, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी क्रियाओं को अपने मन के अंदर ठान लो तो तुम भी एक अच्छे कर्मवीर बन सकते हो। अगले पंक्ति में फिर यहां कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिओद जी कि कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहां, कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते है वह कहां, वह है कहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव है वहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव है वहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, जगह से अपना काम ठीक करके ही टले। यानी कि कभी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कार्यस्थल हो कर्मवीर सही है तो समझो कि वो कार्यस्थल नहीं पूछेगा कि कार्यस्थल क्या है, वे कभी पूछने का काम नहीं करता है बल्कि अपने कार्यों को करने का काम करता है, और जहां से वो कार्य करना शुरू करता है कार्यस्थल तो वहीं हो जाता है। सही वीर का मतलब यही होता है कि जो वो काम करना शुरू किया वही उसके लिए कार्यस्थल बन जाता है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव, क्योंकि जो कर्मवीर होते हैं दुनिया में असंभव उनके लिए शब्द ही नहीं होता, वे असंभव को भी संभव बना के दिखा देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है, चाहे हजारों उलझने आकर उनके बीच में पड़े, जितनी ही वहां जितनी भी उलझने पड़ती है तो समझो कि उलझन नहीं है बल्कि उनको उनके रास्ते के लिए एक तरह का क्या है सम्मान होता है उलझन है, क्योंकि कर्मवीर होते हैं तो उनके रास्ते में उलझने आएगी ही, और उलझनों को उलझन नहीं समझ के उसे सम्मान देते हैं, उसे इज्जत देते हैं, और ऐसे उलझनों को इज्जत देकर वे क्या करते हैं, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, वे और उत्साहित हो जाते हैं। वे कर्मवीर होते हैं जो और उत्साहित और वे खुश हो जाते हैं और उमंग में आकर और तेजी से और जोश से वे काम करते हैं, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, या चाहे हजारों विरोधी सैकड़ों विरोधी इस बीच में अड़चने डाल ही क्यों न दे, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले, क्योंकि वे कर्मवीर हैं। जब तक अपना काम वो ठीक नहीं करेंगे तब तक वो हटने वाले भी नहीं है। तो कर्मवीर की तो यही पहचान है कि जो अपना काम पूरा नहीं करे वहां से कभी वो हट भी नहीं सकता है, क्योंकि अगले पंक्ति में यहाँ कवि और अंतिम पंक्ति है या जिसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सब तरह से आज जितने देश हैं फले फूले, सब तरह से देश जितने आज हैं फले फूले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डाले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। यह कभी अंतिम पंक्ति में कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि सब तरह से आज देखोगे, जितने तरह से देखोगे, जितने देश हैं जितने फले फूले स्थिति में हैं, बुद्धि के क्षेत्र में देखो, विद्या के क्षेत्र में देखो, धन के क्षेत्र में देखो, वैभव के क्षेत्र में देखो, ये जहां अपना डेरा डाले हुए हैं वे बनाने के उन्हीं के बन गए इतने भले, यानी कर्मवीरों का ही बनाया हुआ है कि इतना भला सब कुछ दिख रहा है। अगर कर्मवीर ऐसा नहीं किया होता लोग तो समझो कि ऐसा जो परिस्थितियां दिख रही है, जो दशा दिख रहा है, जो धन दिख रहा है, जो वैभव दिख रहा है, जो संपदा बुद्धि दिख रही है, जो विद्या दिख रही है, कुछ भी दिखने वाला नहीं होता, क्योंकि यह सब कर्मवीरों का ही देन है। वे सभी हैं हाथ में ऐसे सपूतों के पले, क्योंकि वे सभी के सभी वैसे सपूतों के हाथ में पले हुए हैं
क्योंकि जब लोग उसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी कोई भी लोग जब समय पाकर इसे जन्म लेंगे तो देश और जाति की होगी उतनी भी तभी यानी उसी स्थिति में देश और जाति की होगी भलाई, अन्यथा जातिपात और देश के प्रति गद्दारी तो स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन कर्मवीर होने का तात्पर्य यह होता है कि यह सारे क्रियाओं को अपने मन के अंदर उतार लें तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे कर्मवीर के रूप में जाने जा सकते हैं और हम भी एक अच्छे कर्मवीर हो सकते हैं। तो छात्रों, इस पे कुछ हम प्रश्न आपको देने जा रहे हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और संभव हो सके तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखे हुए प्रश्न का फोटो खींचकर जरूर भेजेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। आप तो समझ लिए कर्मवीर की क्या पहचान है। दूसरा प्रश्न आपका होगा कि अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। मान लीजिए कि आप एक कर्मवीर हैं तो आप अपने देश की उन्नति के लिए क्या क्या कीजिएगा। इसके बाद आपको लिखना है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। बस तीन ही प्रश्न है और तीनों प्रश्न का उत्तर आपको कंप्लीटली लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास के लिए अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल।